जय दोस्तों, स्वागत है आपको सबके सामने। मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी के फोन के बाद उत्तर प्रदेश में बन गई थी बात। अब राहुल गांधी ने एक ऐसे राज्य के अंदर फोन किया है जहाँ पर इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, और राहुल गांधी की यात्रा के बाद जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बताएंगे कहाँ पर ये जबरदस्त रैली शुरू हो गई है और विरोध शुरू हो चुका है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही अंतर विरोध देखने को मिल रहा। बताएंगे ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के नेताओं पर ही उठाए सवाल दोस्तों, और किसानों का आंदोलन अब दुनिया भर के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। बताएंगे बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होने वाला है, दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन से एक के बाद एक दल किनारा कर रहे हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो इसके कुछ ही दिनों के भीतर गठबंधन की इस गवायत के सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हो गए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं की जिम्मेदारी संभालते ही अब कई जगह गठबंधन बनना शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर गोवा, गोवा से लेकर हरियाणा और असम के अंदर भी गठबंधन बन चुका है दोस्तों। और अब प्रियंका गांधी के फोन जाते ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी सपा कांग्रेस का गठबंधन बन गया है। ताजा जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अंदर फोन करते हुए सीटों को लेकर चल रहे विवाद को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सक्रियता के बाद सीटों को लेकर ऐलान की संभावनाएं बढ़ गई है। जो जानकारी मीडिया में दी जा रही है उसके अनुसार राहुल गांधी के फोन करते ही पवार ने मामले को सॉल्व कर लिया है, और शिवसेना के नेता यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात की गई है, और इसके बाद जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है 3-4 दिन में ऐलान कर दिया जाए, एक तरीके से सीट सॉल्व होने को लेकर बड़ी जानकारी है दोस्तों। साथ साथ जैसे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाने लगे, वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर युवा एकजुट होते नजर आने लगे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक के मामले को लेकर युवा सड़कों पर है। 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बच्चों को युवाओं को बरगला रहे हैं, ठेठ बनारसी अंदाज में कह रहे हैं कि मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कई सारे तथाकथित गोदी मीडिया के पत्रकार पहुंचे थे युवाओं से इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन युवाओं ने अब गोदी मीडिया का भी विरोध करना शुरू कर दिया है, ये जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगाए गए हैं। साथ साथ राहुल गांधी के गुजरात के दौरे से पहले अब ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी जोरदार तरीके का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों ने एकजुटता के साथ नारे लगाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की गई है। जबरदस्त तरीके का जनसैलाब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बुलडोजर पर चढ़ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम 10 से 12 हजार लोग प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर भी और ज्यादा बड़े आंदोलन होने वाले हैं। एक और किसान मैदान में उतरे हुए हैं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में युवा मैदान में उतरे हुए हैं। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों ने जिम्मेदारी संभाल ली है और मैदान में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर भाजपा जो 400 का नारा दे रही है वो केवल नारे में रह जाएगा, और बीजेपी 200 से नीचे निपट लेगी अगर इसी तरीके से आंदोलनों को सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के संकनाद को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। लोकसभा चुनाव में 400 का पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। कन्नौज सीट से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सतीश पाल का फोन पर टिकट को लेकर बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसकी दोनों ही नेताओं ने पुष्टि की है। कन्नौज लोकसभा के लिए टिकट को लेकर बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक और पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। कुछ दिन पुराना एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक पूर्व राज्य के मंत्री सतीश के पास से लोकसभा टिकट को लेकर बात कर रहे हैं। ये बात अपनी विवाद के जरिए बीजेपी को कमजोर करती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों नेता सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, और एक तरीके से आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी में फूट और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसके साफ संकेत दिए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारत में चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी लोगों के बीच में अभी कोई समझौता नहीं हो पाया है। बुधवार को एक युवक की मौत के मामले को लेकर स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। युवक को गोली लगने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। किसान नेताओं का दावा है कि गोली सुरक्षा बलों की ओर से चलाई गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे नकारा है। इस बीच अब ये मुद्दा यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन के अंदर भी संसद के अंदर उठाया जा रहा है। ब्रिटिश सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने किसानों के प्रदर्शन में युवक की मौत का मुद्दा उठाया है। तनमनजीत सिंह ने अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता की बात कही है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय और स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी ने मुझे गंभीर चिंता जताते हुए भारत में किसानों की सुरक्षा पर लिखा है। कल कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी की पुलिस गतिरोध में मौत हो गई थी। इसकी मौत का कारण गोली लगना है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। ट्विटर ने माना है कि भारत में उसे कुछ खास पोस्ट और अकाउंट हटाने को कहे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से पूछा गया कि क्या वह किसानों के मानवाधिकार को प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कार्रवाई हुई है, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसके साथ में जिन 30 कंपनियों के खिलाफ ईडी सीबीआई आईटी ने की कार्रवाई, उन्होंने बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अवैध वसूली बताते हुए हफ्ता वसूली बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि 2018 से लेकर 23 के बीच में 30 प्राइवेट कंपनी के खिलाफ
एजेंसियों ने एक्शन लिया है। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यह हफ्ता वसूली है, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। 3 सवाल पूछते उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, उसी प्रकार इस तरीके के हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र को प्रकाशित करे। बीजेपी कहती है कि उनकी फंडिंग में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, तो क्या चुनाव आयोग ने न्यूज पोर्टल से जो जानकारी ली है आप उसका खंडन करेंगे? जवाब पूछा गया है। दोस्तों साथ साथ अगर आपकी नीयत साफ है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच स्वीकार करेंगे? जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। साथ साथ जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर एकदम सॉफ्ट हो गए और कह रहे हैं कि उनको मना नहीं कर सकते, उन्होंने अभी तक औपचारिक तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से किसानों के आंदोलन से गलत तरीके से निपटा जा रहा है, उसके बाद सबसे ज्यादा बड़े सवाल जयंत चौधरी पर उठाए जा रहे हैं, जो किसानों की राजनीति करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आजकल किसानों की एक मांग नहीं मानी जा रही है। इसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेताओं से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी से आपकी बातचीत चल रही है, तो इस पर राहुल गांधी ने तो कोई बयान स्पष्ट तौर पर नहीं दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि 7 सीटें ज्यादा होती है बनस्पत 2 सीटों के। भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की बातचीत चल रही है लेकिन जयंत चौधरी को बीजेपी 2 मात्र सीट देने को तैयार है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या मात्र 2 सीटें लेकर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साथ आकर 7 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों कि 2 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, ये जवाब जयंत चौधरी देंगे तो उनकी ओर से क्या जवाब आएगा? साथ साथ नगीना की सीट से इस बार मैदान में उतर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर वोटों की बात करें तो 16 लाख वोट मुस्लिम समाज और दलित समाज को मिलाकर है, यानी दोस्तों लगभग 90% आबादी मुस्लिम और दलित समाज की है, तो स्पष्ट तौर पर इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ ऑनलाइन सर्वे में जनता बीजेपी की औकात बता रही है, 200 सीटें भी मोदी बीजेपी के नहीं आ रही है। News24 की ओर से सवाल पूछा गया कि 400 के पार क्या इस बार एनडीए गठबंधन जाएगा, तो इस पर जवाब देते हुए 76% लोगों ने कहा कि भाजपा 200 के आंकड़े पार नहीं कर पाएगी, जबकि 13% लोग का मानना है कि 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा। 11% लोग मानते हैं कि 350 के आसपास रहेगा, यानी सबसे ज्यादा लोग 76% लोग मान रहे हैं कि 200 तक भी बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी। सोशल मीडिया पर इस तरीके के रिजल्ट आने के बाद आईपी सिंह बोले, कहा सोशल मीडिया से ही मोदी जी सिकंदर हुए थे, आज वहीं से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। साथ साथ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है, जो जानकारी सामने आई है उन किसान का नाम दर्शन सिंह है, वो 62 वर्ष के है। बता दें कि 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के आह्वान के बाद अब तक 5 किसानों की मौत की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज था, यानी जो ये थ्योरिया बनाई जा रही है कि बड़े बड़े किसान है, जमींदार किसान है, प्रदर्शन करने वाले कोई छोटे किसान नहीं है, ये थ्योरिया पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही है, क्योंकि जिन किसान की जान गई है दर्शन सिंह की, उन पर 8 लाख का कर्जा है और किसी बड़े किसान पर 8 लाख का कर्जा नहीं होता, एक छोटे किसान जो कर्ज के तले दबे हुए हैं, ये बात स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है दोस्तों। सांसद मनोज दरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर, सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को कानून में बदलने की मांग को लेकर दरांगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी है। गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि आंदोलन शांति के साथ जारी रह सकता है। आपको बता दें कि चल रहे दरांगे पाटिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट का यह आदेश आया है। जालना जिले के अंतरवाली में लगातार आंदोलन जारी है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ बड़े बड़े तानाशाह आए और मिट्टी में मिल गए, ये तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। शिवपाल यादव ने 2011 में मायावती सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान ये बातें कही थी। अब उन्हें लोकसभा सीट नंबर 23 यानी बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया है, तो उसकी बधाई दी जा रही है। जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने 2011 में लड़ाई लड़ी थी, उसी के साथ इस बार बदायूं के अंदर उम्मीदवार बनकर उतरने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर बदायूं की सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा सकता है। पार्टी के कार्यकर्ता इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि जब घोषणा एनडीए के साथ गठबंधन की होगी तो जानकारी मिल जाएगी। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका कोई हल निकाला जाएगा, दोनों तरफ से धैर्य की आवश्यकता है, कोई हिंसा ना हो और उनकी बातें मानी जाएगी। बता दें कि चौधरी चरण सिंह को सरकार से भारत रत्न की घोषणा करने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी को मना नहीं कर सकते, इसके बाद किसान आंदोलन को लेकर वो खुलकर वैसे जवाब नहीं दे पा रहे जैसे पहले दिया करते थे, यानी संकोचित नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और दूसरी ओर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उनकी जो कोर राजनीति है, जो सबसे फंडामेंटल राजनीति है, उसी के खिलाफ आज उनकी पार्टी नजर आने लगी है, उनका गठबंधन सहयोगी नजर आने लगा है। साथ साथ यूपी में 13 MLC सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है, 4 मार्च को नामांकन भरे जाएंगे। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के ऐलान किए गए हैं, 21 मार्च को वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 13 MLC जो रिटायर्ड हुए हैं उसमें बीजेपी के यशवंत सिंह है, विजय बहादुर पाठक है, समाजवादी पार्टी की ओर से नरेश चंद्र उत्तम है और समाजवादी पार्टी की ओर से ही कई और उम्मीदवार। सांसद फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, इस दौरान उन्होंने सपा से बगावत करने वाले पूर्व विधायक अजीम भाई, बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष टीटू कुमार और निर्दलीय मेयर चुनाव लड़ने वाली रुखसाना बेगम को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने 10 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है, जिस पैसे से किसानों और नौजवानों का काम होना था उस पैसे को बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे दिया गया है, अब गरीबों का काम कैसे हो सकता है, ये सवाल पूछे गए हैं। साथ साथ दोस्तों बीजेपी में शामिल होने
होने की अटकलों के बीच कमलनाथ का मध्य प्रदेश की जनता के नाम संदेश राहुल गांधी को लेकर लिखी है नई बात। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम लेकर अपील की है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो जाए और हम सबको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा आ रही है। मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई के लिए उत्साहित है। अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ हम सबके नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राहुल गांधी को संबल और साहस दे। हम और आप मिलकर अन्याय के खिलाफ जारी इस महाअभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कमलनाथ की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ दिखा शार्प शूटर सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो। बीजेपी बोली कहा वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ साथ राजा भैया के एक बयान से सपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच में संभावित गठबंधन को लेकर संकेत मिल रहे हैं। नरोत्तम पटेल और भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर राजा भैया ने कहा कि मैंने 28 साल में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के साथ लगातार उनकी करीबियां बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव ने बड़े नेताओं को भेजकर उनको साथ में लाने की अपील की है। राजा भैया आना चाहेंगे तो उनका स्वागत होगा। अखिलेश यादव ने भी यह बयान देकर स्वागत के लिए रास्ता खोल दिया है। जबकि योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे। सूत्रों की माने तो बीजेपी और सपा नेताओं की जनसत्ता दल प्रमुख के साथ हुई मुलाकात राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति सेट करने के लिए थी। राजा भैया से लगातार बीजेपी के नेता भी चर्चा कर रहे हैं। राजा भैया को तय करना है कि आखिर किसके साथ जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी के साथ में जाएंगे तो लोकसभा की सीटें भी मिलेगी और उनको बस राज्यसभा में सपोर्ट करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। देखते हैं राजा भैया के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है और वो क्या करके दिखाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो ताकि दोस्तों सांसद कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 24 फरवरी को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल होने वाली है। मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, संबल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक ये यात्रा जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सभी को लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबर पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।